अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम आए पिंचाल, जहाँ पर है अल्लाह के बहुत बड़े वली, जिनका नाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही नाम सुना है इनका, जो ये बाबा जो पिंचाल में है। तो इनकी दरगाह पे हम बहुत मुश्किल से पहुँचे दोस्तों, रास्ता भी भटक गए थे, लेकिन वो क्या है, मंजिल पर पहुँच ही जाते। तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हम मंजिल पर पहुँच गए, और अभी हम दरगाह के अंदर जाएंगे, ज़्यारत करेंगे, और दरगाह कैसी है जो भी मालूम होगी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं दरगाह पर। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। दोस्तों, तो इनका नाम है हज़रत बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि फैचाल की सरजमीन पर है दोस्तों, जो है उनावा से कुछ 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंट है दोस्तों, और हज़रत मेरा सैयद अली दातार से। और इनकी और भी इनकी जो साथ में जो इनके आए थे, कोई ऊँट है, शेर है, और भी मज़ार है, जिनकी मैं वीडियो आपको बताता हूँ। और इनका नाम हज़रत बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि कहीं से आए थे और यहाँ पे मतलब इन बस गए। तो और मैं मज़ार बताता हूँ आपको, जिनमें ऊँट है इनके और शेर है, और भी ऐसे कुछ मज़ार है, जो कि एक कब्र ऐसी है दोस्तों, जो कि एक चोर आया था यहाँ पर और मतलब चोरी करके भाग रहा था, तो बाबा ने उसको उनके कुछ बाबा ने उनको ऐसा कुछ किया कि वो वहीं पर आधा मतलब उसकी आधी कब्र बनी है, जो कि आधा इधर और आधा उधर है, तो जो फंस गया था बीच में, तो उसकी कब्र आधी आज भी। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो दरगाह भी सॉरी वो कब्र भी, और देखते और भी मज़ार, तोता मैना, और जो कि उनका ऊँट था, ऊँटनी थी उनकी वो, और एक शेर भी उनके साथ में थे, और एक मस्तान बाबा उनकी भी मज़ार बताता हूँ आपको, और भी जो भी जानकारी मिलेगी मैं दोस्तों आप देख सकते हैं। देखिए ये है बाबा का शेर, ये शेर की मज़ार है, जो कि बाबा के कदमों के पास में ही है इनकी मज़ार, ये इनके शेर है। और मैं आपको आइए बताता हूँ और भी मज़ार आते कि देखिए दोस्तों, ये है मस्तान बाबा, जो कि बाबा के साथ में आए थे, इनका नाम है मस्तान बाबा, और ये उनकी ऊँटनी है दोस्तों, ऊँट जो आता है कैमल, ये उनकी मज़ार है बाबा का ऊँट, जो बाबा इसके ऊपर सवार होकर आए थे, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाबा का ऊँट है। और आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इनके तोता और मैना की मज़ार, इनके तोता और मैना की मज़ार आपको बता दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये है इनकी तोता और मैना की मज़ार, जो कि इनकी दरगाह के पीछे ही है। देखिए दोस्तों, तोता और मैना। अब मैं आपको बताता हूँ वो चोर जो कि बाबा ने जिसकी कब्र को आधी मतलब फंसा दिए थे, जो मतलब उसको आधा फंसा दिए थे, तो उसकी कब्र आज भी यहाँ पे निशाने के तौर पर है, आधी कब्र है, पूरी कब्र अभी तक बनाई नहीं, उसकी आधी कब्र है, जो कि वो चोरी करने यहाँ पे आया था। तो मैं उसकी कब्र बताता हूँ जो जिसको बाबा ने फंसा दिया था। ये देखिए दोस्तों, ये है उस चोर की कब्र, जो कि यहाँ पर चोरी करने आया था,
और बाबा ने उसको यहाँ पर फंसा दिए थे। तो प्रूफ के तौर पर, निशाने के तौर पर उसकी आधी कब्र यहाँ पर बनाई है दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले। तो आप देख सकते हैं ये उसकी आधी कब्र है। नाज़रीन दोस्तों देखिए, ये वो पत्थर है, लोहा है सॉरी, ये वो लोहा है जो दिल में कोई भी मुराद या मन्नत रख के इसको एक हाथ से उठाना है। तो जिसकी दुआ करीब कबूल होने वाली रहती है, वो बोलते हैं कि ये पत्थर उठ जाता है, एक हाथ से उठाना है तो वो घुटनों तक आना है, घुटनों तक एक हाथ से उठना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, उठाऊँगा, देखता हूँ, मेरी दुआ कबूल होने वाली रहेगी अन करीब, तो इंशाल्लाह ये पत्थर लोहा उठ जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, देखते, मैं करता हूँ कोशिश। तो दोस्तों अब जरा इसको बिना मन्नत के, बिना नियत करे उठाओ इसको जरा। बिना नियत की ऐसे ही इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, दोनों हाथ से, एक हाथ से इंशाल्लाह ट्राई करता, बिना मन्नत, बिना कोई दुआ। यकीन माने दोस्तों, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको उठाने में, ये नहीं उठा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों ज़्यारत करके भी अच्छा लगा होगा। और ये है बाबा सैयर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कहीं से आए थे और यहाँ पर बस गए दोस्तों। और जो भी मैंने आपको मज़ारत बताई और भी दीगर मज़ारत बताई, जिन बाबा मस्तान और इनके जो जानवर इनके साथ में जो थे, जो कि शेर है उसमें से ऊँट है और तोता मैना की मज़ार जो आपको मैंने बताई, वो सब दोस्तों इनके साथ में ही आए थे, इनके साथ ही थे दोस्तों। और जो मैंने आपको एक कब्र बताई दोस्तों, जो कि आधी है, वो कब्र एक चोर की है दोस्तों, जो कि चोरी करने आया था यहाँ पर, और बाबा ने उसको आधा ही फंसा दिए उसमें, वहाँ पर कहीं पे फंसा दिए थे। तो उसके प्रूफ के तौर पे दोस्तों वो दरगाह, उसकी जो कब्र है वहाँ पर प्रूफ के तौर पर, निशानी के तौर पर वहाँ पर बनाई गई है, जो कि मैंने आपको अभी बताई। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा, बहुत मेहनत लगी दोस्तों ये ब्लॉग बनाने में, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।